नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन को पहुंचाया जा रहा है। आज पटना के रविंद्र भवन में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा महिला जन प्रतिनिधियों और महिला उद्यमियों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान सभा में पटना महानगर महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्ष समेत अन्य योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं सम्मान हुए। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महिलाओं के लिए काफी काम किया गया है, जो सराहनीय है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम रेणु देवी, पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी हरीश त्रिवेदी, पटना मेयर सीता साहू, प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा, प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा और भाजपा के सभी सम्मानित नेतागण मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है, सम्मान महिलाओं को देश में हमेशा सम्मान है और ये सम्मान है हर प्रधानमंत्री किया है। सबका साथ, सबका विकास हो चाहे और सबका बदलाव, हालांकि सब बैठक योजनाएं वो नगर पालिका से लेके आलो बलराम से लेके आज आप देखिए, हम आप लोगों को सभी बता रहे थे कि अगर देश में इतना हुआ है तो बिहार में भी हमारे प्रधानमंत्री है काम किया है, जिसका डांडा मंत्री आपको दे रहे थे कि बिहार में अगर हमारा डांडा है हमारे 30 लाख लोग हमारे रजिस्टर हुए हैं, हमारे वर्कर जो हमारे होते हैं श्रम विभाग में, जल जीवन मिशन के तहत अगर हम देखें तो 1,06,00,000 लोग हुए हैं। के अगर हम पब्लिक के लिए वाईफाई में हम देखें तो 1,667 हमारे लोग लाभार्थी हुए हैं और अब तक अगर ट्रांसफर मनी हम के माध्यम से देखेंगे तो हमारे यहाँ 54,76,00,000 रुपए जो हैं इतना हमारे यहाँ डिजिटल के माध्यम से आए हुए पैसे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि पहल में अगर हमारे यहाँ हुआ है एलपीजी में तो हमारी बहनों को 2,09,00,000 रुपये लोगों को मिला है। मोदी जी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हुआ है और हम लोग उसे सेवा समर्पण और गरीब कल्याण, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत हम लोग एक पखवाड़े में उसे 14 तारीख तक मनाने का काम कर रहे हैं। और आज 6 तारीख को पूरे बिहार में एक ही समय एक ही दिन हम लोग पूरे महिला, जितनी भी बिहार प्रदेश की महिला है, अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहा है और ये पटना के रविंद्र भवन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और इसमें जितनी भी लाभार्थी महिला है, उद्यमी महिला है और वार्ड पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उन लोगों का सम्मान करने का काम हम लोगों के अंदर